आज मैं आपको पटना जेपी नगर पाथवे के फेस 4 के बारे में अपडेट दिखाने वाला हूँ। तो भाई यार पठान पठान करके आप हमको यार गजब आप गाइस देख सकते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं पटना घाट वाली कनेक्टिविटी की तरफ, क्योंकि यहाँ से होते हुए आगे अशोक राजपथ के ऊपर से एक फ्लाईओवर बनेगा। जो स्पैन लॉन्चिंग का काम था वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही होने वाला है। और ऐसी खबर भी आ रही है कि नवंबर दिसंबर तक जो ये पार्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तो आप इधर देख ही सकते हैं गंगा का वाटर लेवल जो है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो भाई अभी हम लोग के साथ कैंडीमैन ब्लॉग जय भाई हैं, और आपको पता ही होगा अगर उनका चैनल आप लोग देखे होंगे पिछला अपडेट, तो उन्होंने मुझे अभी अपने चैनल पे पठान पठान करके पूरा हाईलाइटेड किया हुआ है। तो देखिए सामने है जय भाई। तो भाई यार पठान पठान करके आप हमको यार गजब आप ये फेमस नहीं, देखिए मजाक नहीं करते, कमेंट भी आ रहा है मेरे पास। लुक बिल्कुल पठान वाला था आपका लग रहा है, इस कारण से मैंने बोला था कि पठान जैसा लग रहा है, और कुछ मजाक नहीं उड़ा था। नहीं मजाक की बात नहीं है, लेकिन आपके सब्सक्राइबर लोग भी कमेंट कर रहे थे कि भाई आपका चैनल पे डाले हुए हैं। तो चलिए आप ही तो बस इसी तरह से फेमस करते रहिए। बाकी आप लोग आइए, आप लेके चलते हैं यहाँ से आगे, और क्या कुछ अपडेट है भाई फेज 4 का काम कितना कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से वो सब कुछ आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फिलहाल अभी रास्ता जो ये देख रहे हैं हमेशा बंद रहता है, लेकिन अभी वाटर लेवल जो गंगा का बड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत आने जाने के लिए पटना घाट की तरफ जो लोग रहते हैं उनके आने जाने के लिए थोड़ा बहुत रास्ता जैसे खोला गया था। चलिए आपको इसी मौके का फायदा उठाते हैं और यहाँ से लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि उधर की क्या कुछ स्थिति है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं फेज 4 पर कंगन घाट से आगे। आपको पता ही है कि पटना घाट के पास एक कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो पटना घाट के बाद आगे आपको मैं बता दूं कि सीधे दीदारगंज के पास जाकर आपको जो लास्ट कनेक्टिविटी है इस जेपी गंगा पाथवे की वो देखने को मिलने वाली है। तो आपको मैंने बताया भी था कि फेज 4 का काम जो है बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, ऐसी बात भी चल रही है कि इस साल तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, लास्ट यानी दिसंबर तक आपको ये काम जो है कंप्लीट देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चल रहा हूँ, और पटना घाट और उससे आगे कहाँ तक काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है, और सामने इधर पटना घाट के पास से जो कनेक्टिविटी है सीधे आपको पटना सिटी स्टेशन तक पहुँचाने वाली है उसका क्या कुछ अपडेट है, ये तमाम चीज़ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि उधर क्या कुछ काम चल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं पटना घाट वाली कनेक्टिविटी की तरफ। तो ये रहा पटना घाट वाली कनेक्टिविटी, इसी से होते हुए आप आगे की तरफ जाएंगे। फिलहाल जो रास्ता वगैरह है वो अभी खोला गया था कि जो लोग इधर रहते हैं पानी वानी नीचे आया था, इस कारण से आप देख पा रहे होंगे कि इसे रास्ता को थोड़ा बहुत खोला गया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से तो आगे ज़्यादा आगे देखने को कुछ नहीं मिलने वाला, बट हाँ आप देख सकते हैं जो गंगा का वाटर लेवल वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और नीचे जो रास्ता है वो काफ़ी हद तक ब्लॉक हो गया था पानी आने के कारण, बट अब पहले से स्थिति काफ़ी सही है, रास्ता जो है वो क्लियर हो गया है। वैसे अगर मैं बात करूँ इधर पटना घाट की, तो आपको मैं बता दूं कि पटना घाट को जो तैयार करने का काम था, जो कि यहाँ से होते हुए आगे अशोक राजपथ के ऊपर से एक फ्लाईओवर बनेगा जो कि सीधे आपको पटना सिटी स्टेशन तक लेके जाएगा, तो उसका काम अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से सामने से दिखाता हूँ कि क्या कुछ अभी स्थिति है इधर की। तो गाइस देख सकते हैं अभी पहले की तरह ही इसकी स्थिति जो है अभी तक उसी तरह से आप देख पा रहे होंगे, कुछ यहाँ पर वैसा काम देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड भी कर रहे थे कि भाई उधर से जो अशोक राजपथ से इस पटना घाट पर आने के लिए जो कनेक्टिविटी थी उधर से दिखाइए, तो आगे आने वाले टाइम में मैं आपको इसके बारे में अपडेट दूंगा। फिलहाल दशहरा का वगैरह का समय है तो इस पर भी वीडियो आएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी वैसे ही कंडीशन है, कुछ खास यहाँ काम नहीं है। तो चलिए मैं आपको इधर से आगे लेकर चलता हूँ, और यहाँ से आगे जो फेज 4 का आगे का पार्ट जो है वो कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, और जो स्पैन लॉन्चिंग का काम चल रहा था उसे मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप पटना घाट की तरफ से आइएगा, इस साइड आप चले जाइएगा सीधे दीघा की तरफ, और जो लोग दीदारगंज की तरफ से आ रहे हैं उनको उधर उस वाले रास्ते से होकर आना होगा। तो चलिए यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं, वैसे यहाँ से आगे आपको काफ़ी दूर तक जाने के लिए तो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि रास्ता जो है वो आगे जाकर ब्लॉक हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ और ड्रोन शॉट से दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ तक जो काम है वो कम्प्लीट किया गया है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि दीघा से लेकर इधर दीदारगंज तक इसकी टोटल लेंथ
करीब 20.5 किलोमीटर की है, जिसमें से 15.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसे पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया गया है, जो कि कंगन घाट तक आकर खत्म होती है। वहीं कंगन घाट से लेकर पटना घाट होते हुए यह दीदारगंज तक आएगी, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर की है, जिसे अभी आप यहाँ तैयार होता हुआ भी देख पा रहे हैं। तो गाइज आप देख सकते हो अभी हम लोग सीधे इधर पटना घाट से होते हुए आए हैं, और गाइज यार बात करो अगर यहाँ से आगे की तो यहाँ तक का जो काम है वो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा तैयार किया जा रहा था, बट यहाँ से अगर आगे की मैं बात करूँ तो SP सिंगला के द्वारा ये जो फोर्थ फेज का पार्ट आप देख रहे हैं उसे तैयार किया जा रहा है, और काम जो है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। और गाइज अगर मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखाऊँ तो आगे तक आप देख सकते हैं जो स्पैन लॉन्चिंग का काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि इससे दो फेज में पूरा किया जा रहा है, एक तो आप सामने इस साइड से देख रहे हैं जो कि यहाँ पर स्पैन लॉन्चिंग मशीन लगी हुई है, तो यहाँ से स्पैन लॉन्चिंग की जा रही है। वहीं इसके आगे साइड यानी दीदारगंज की तरफ से भी जो स्पैन लॉन्चिंग का काम है वो भी लगभग इसके पास ही पहुँच चुका है। आपको मैंने पिछले बार करीब 1-1.5 महीने पहले बताया था कि करीब करीब 15-16 ऐसे पिलर रह गए जिनके ऊपर स्पैन लॉन्चिंग का काम किया जाना था, तो अब लगभग जो काम है वो कंप्लीट ही होने वाला है। करीब 5-7 पिलर रह गए होंगे जिनके ऊपर ये काम होना है, बाकी तो आप यहाँ से देख सकते हैं काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वैसे ड्रोन शॉट में भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कितना शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपना पटना JP गंगा पाथवे के फेज 4 का पार्ट। और गाइस यहाँ आप इस ड्रोन शॉट में भी देख पा रहे होंगे कि अब बस कुछ ही पिलर रह गए हैं जिनके ऊपर स्पैन लॉन्चिंग का काम बचा हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं बात करूं इस पटना मरीन ड्राइव के रूट की, तो जो लोग पटना की तरफ से आ रहे हैं और बिना किसी जाम का सामना किए बगैर उन्हें पटना सिटी दीदारगंज या बख्तियारपुर 4-लेन रोड पर आना जाना करना है, वे लोग इधर सीधे इस JP गंगा पाथवे का इस्तेमाल करते हुए कुछ ही मिनटों में ही इस तरफ पहुंच जाएंगे। वहीं गाइस आपको मैं बता दूं कि इस JP गंगा पाथवे की कनेक्टिविटी इधर दीदारगंज के पास तैयार किए जा रहे कच्ची दरगाह विदुपुर 6-लेन गंगा ब्रिज से भी होने वाली है, यानी आपको उत्तर बिहार के तरफ आने जाना भी करना होगा, तो आप इस JP गंगा पाथवे के थ्रू बड़े ही आसानी से और बहुत ही कम समय में उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार आना जाना कर पाएंगे। बट गाइज आपको यहाँ मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी ये जो आप JP गंगा पाथवे का काम होता हुआ देख रहे हैं, जो कि 20 किलोमीटर लंबी है, इसे एक्सपैंड कर 90 किलोमीटर का किया जाना है, जिसमें दीघा से आगे कोइलवर तक, वहीं दीदारगंज से आगे फतुहा तक इसे एक्सपैंड किया जाएगा, जो कि वाकई एक काफी अच्छी न्यूज है और इस पर भी काम जल्द शुरू होने वाला है। बाकी इधर आप पटना घाट से आगे की तरफ चल रहे काम का हाल देख सकते हैं, अब बस इधर 4 पिलर रह गए हैं जिनके ऊपर जो स्पैन लॉन्चिंग का काम है वो किया जा रहा है। और वहीं अगर मैं आपको बताऊं दीदारगंज की तरफ से, तो दीदारगंज की तरफ से भी बस 5 या 6 पिलर रह गए हैं जिनके ऊपर स्पैन लॉन्चिंग का काम किया जाना बाकी है। यानी पूरी उम्मीद है कि इस साल के लास्ट तक आपको ये JP गंगा पाथवे पूरी तरह से कंप्लीट देखने को मिलने वाला है। और हाँ गाइस आपको मैं एक अपडेट और दे दूं कि कृष्णा घाट के पास जो कनेक्टिविटी दी जा रही थी उसकी ओपनिंग की डेट आ गई है। कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर यानी नवरात्र की जिस दिन शुरुआत हो रही है उस दिन इसकी ओपनिंग की जाएगी, और जो आपने पंप हाउस देखा था अब पूरी तरह से वहां से तोड़कर हटा दिया गया है, तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो गाइस चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पटना और बिहार से जुड़ी ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह के अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।